तो और भाई लोग और उसकी बहन लोग, क्या हालचाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो, गेम प्ले वीडियोस बहुत दिनों से मेरे चैनल पे नहीं आए हैं, लेकिन इंतजार खत्म। सीरियसली गाइस, तुम लोग जरूर बोल रहे थे, बहुत बहुत कॉमेंट आ रहा भाई तुम्हारे गेम प्लेज नहीं आ रहे, वो हम मिस कर रहे हैं गेम प्ले को। तो देखो, गेम प्ले भी आएगा, आज से पर डे गेम प्ले आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। 12 बजे, दोपहर के 12 बजे तक आ जाएगा गेम प्ले हर दिन, और लाइव स्ट्रीम का टाइम है 2 बजे से 5 बजे शाम तक। तो लाइव स्ट्रीम भी डेली होगी और गेम प्ले भी डेली आएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। और इसी के साथ मैं उतर जाता हूँ रोजॉक में, और भाई साहब खिड़की से कूदने में मुझे देखो कि खिड़की से जाने के अंदर में 2-3 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, और उसके बाद मैं घर के अंदर घुसता हूँ, मुझे मिल जाती है PP19 और भाई साहब एक शॉटगन। अब ये तो एक बॉट था, इसको तो आसानी से मार देते हैं, लेकिन इसके मारने के बाद मुझे UMP 45 मिल जाती है, और सामने मेरे सामने मतलब फाइट चल रही होती है, और मैं हीरो बनने की कोशिश करता हूँ। और ये UMP की सस्ती स्प्रे देने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं ओपन में हूँ, तो मैं बोलता हूँ खुद से, मतलब कि लॉन्डो अपना पिछवाड़ा उठाओ और घर के अंदर जाओ, नहीं तो आगे से ठिलने की तो बात दूर की, मतलब तुम पीछे से ज़रूर ठिल जाओगे। तो भाई साहब मैं जल्दी जल्दी पिछवाड़ा उठाता हूँ और घर के अंदर आता हूँ। यहाँ पर मुझे मिल जाती है M16A4 और उसके साथ 3X। मैं बोलता हूँ अब तो लॉन्डो की खोपड़ी उड़ाऊँगा, मतलब सिंगल टैप फायर पर। और भाई साहब इस गेम में ना मतलब चिकन डिनर की तो लाइनें लगा दूंगा इस गेम प्ले में, सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब कतई जहर गेम प्ले है। और भाई साहब 2 बुलेट मैं मारता हूँ उसको, लेकिन लौंडा ठिलता नहीं है, मतलब 2 लौंडे हैं तो एक ठिल भी जाएगा तो आराम से रिवाइव हो जाएगा, तो मैं ये समझ जाता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ पीछे आ जाता हूँ और 7 की एमओ उठाने लगता हूँ, पता नहीं अपने पास 7 की गन भी नहीं है, फिर भी 7 की एमओ उठाने लगता हूँ, और उस एमओ उठाने के चक्कर में मेरे साथ क्या होता है देखो। और भाई साहब जैसे तैसे तो मैं बच जाता हूँ, लेकिन भाई साहब इसके होने का कारण क्या है पता नहीं, वहाँ पे मैं जैसे ही जाता हूँ 7 का एमओ उठाता हूँ, पता नहीं अपने आप गायब हो जाता हूँ मैं, मतलब मुझे अपनी शरीर नहीं दिख रही है, बाकी लॉन्डो को पूरी की पूरी शरीर दिख रही है। भाई साहब कहाँ से गोली मार रहे हैं और सीधा खोपड़ी में आके लग रही है। किसी तरीके से बच जाता हूँ और पता चलता है कि भाई 2 लौंडे सामने, तो मैं बोलता हूँ तुम लोग रुको, क्योंकि पीछे से फायर हो रहा था, तो भाई साहब मैं बोलता हूँ पीछे जाके पहले निपटाते हैं इसको, उसके बाद देखा जाएगा आगे। और भाई साहब सड़क के पार वाला बंदा मतलब आगे तो परेशान किया ही किया था मेरे को, लेकिन भाई साहब मतलब पीछे जब मैं लौंडे को ठिलाने आया तब भी नहीं छोड़ा, उतने दूर से फायर कर रहा, पता नहीं कौन सी एक्स लगा के मार रहा था, सीधा सीधा ही लग रहा था गोली यार मेरे को, मतलब इधर उधर मिस भी नहीं हो रही थी। तो मैं किसी तरीके से इन दोनों को ठिलाता हूँ यहाँ पे। हाँ मतलब देखो, लास्ट वाला बंदे को जिस तरीके से मारा उसके ऊपर भी वो बंदा फायर कर रहा था, तो उसको शायद 1-2 बुलेट वहाँ से लगी है, और 1 बुलेट लास्ट बुलेट मेरी लगी है, तो लौंडा ठिल जाता है। उसके बाद इस घर के अंदर जो तबाही होने वाली है ना, लौंडा वहाँ से सोच रखते हो सड़क के पार से मेरे पे रश करने के लिए आ रहा है भाई साहब, और मैं यहाँ पे जब तक मैं हील करता हूँ तो वो लौंडे आ रहे हैं हमारे पास, तो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और इन दोनों लौंडों को तो भाई साहब ठिला देता हूँ। उसके बाद पता नहीं क्या होता है, यहाँ पे 2 बॉट आते हैं, 2 बंदे आते हैं, मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन बॉट वाले कपड़े पहने हुए थे भाई साहब, ये गारंटी से बोल सकता हूँ। और यहाँ पे मतलब वो देख, वो छोड़ो बॉट हैं कि बंदे हैं, लेकिन यहाँ पे किल जो चोरी होगी ना मेरी, वो किस तरीके से होगी बस वो देख लेना भाई साहब, मतलब बहुत कतई जहर टाइप से किल चोरी होगी। तो मैं इंतज़ार करता हूँ लौंडों की, और आते हैं वो लौंडे देखो। और
भाई साहब सीरियसली बोल रहा हूँ, कसम से क्या था ये? मतलब यदि वो बॉट था ना तो कसम से बोल रहा हूँ बॉटों से आजकल मरने चालू हो गए हैं लौंडे। सीरियसली बोलता हूँ मर सकते हैं भाई, कितना जल्दी किल चोरी किया यार, मतलब शक्तिमान की आत्मा आ चुकी थी उसके अंदर। मैंने वाइट वाले कपड़े को नॉक किया, मैं बस गोली रिलोड कर रहा था, उतने देर में उस बंदे ने मतलब बॉट ने भाई साहब किल चोरी कर लिया, पूरा का पूरा फिनिश कर दिया, वो भी मिनी से धक धक धक, तीन गोली मारी है मेरे सामने, धक धक धक। इतना स्पीड जो नहीं चलाता है बॉट भाई साहब, कौन से प्रो बंदे भेजने लगो क्या बॉट वाले। और ये सब कारनामा करने के बाद मुझे पता चलता है कि रोजॉक खाली हो चुका है, यहाँ पे कोई भी लौंडा बचा नहीं है, तो भाई साहब यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। तो मैं अपना पिछवाड़ा उठा के यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन तभी दो बंदों की डासिया मेरे पीछे पड़ जाती है, और भाई साहब क्या ही हशर करेगी मेरी, मतलब दो लौंडे ऊपर से गाड़ी के ऊपर और मैं अकेला बंदा बिना गाड़ी के भागे जा रहा हूँ ओपन में, तो देखो यार क्या हशर होता है मेरा। और सीरियसली बोलता हूँ भाई साहब माँ कसम से, मतलब ऐसे सिचुएशन में बॉट का आना ज़रूरी होता है, कतई मतलब उसको लगता है कि उसकी जिम्मेदारी है कि कहीं पे लड़ाई हो रही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है वहाँ पे, दो लौंडे आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ पे जाके उनकी माँ बहन एक कर दो। सीरियसली मैं ऐसा सोच के रखा है बॉट ने भाई साहब, देख रहे हो कैसे, मतलब यहाँ पे मैं जान जोखिम में डाल के मतलब एक बंदे को नॉक कर दिया था, मतलब वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था। मैं सीधा सबसे पहले तो कवर लिया, वो सबसे बड़ी मेरी जीत थी यहाँ पे, मैंने कवर लिया सबसे पहले, उसके बाद एक बंदे को नॉक किया, थोड़ा हील किया, उसके बाद मैं भी थोड़े 10 HP या 5 HP बोल सकते हैं उस पर बचा था, तो मैं हील किया और फिर दूसरे लौंडे को फिनिश किया जाके पीछे से। बॉट अपने को थोड़ी पता चलता है कि बॉट फायर कर रहा है कि कोई दूसरा लौंडा सिंगल टैप फायर कर रहा है, भाई साहब कतई जहर। लेकिन किसी भी तरीके से ये मैच जीत जाता हूं मैं, और उसके तुरंत बाद मैं गाड़ी उठाता हूँ और पहुँचता हूँ सीधा एक ड्रॉप के पास, और ड्रॉप के पास पहले से लौंडे भी पहुँच चुके हैं, मुझे लगता है कि एक लौंडा है वहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है देखने में, लेकिन भाई साहब वहाँ पे दो लौंडे होते हैं और बीच में होती है ड्रॉप और मेरे बीच में होती है एक नदी, और भाई साहब नदी पार नहीं कर सकते क्योंकि उधर लौंडा, और मैं कवर में गाड़ी रोकता हूँ। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है ना वो देखने में मज़ेदार होगा, मतलब देखो और इस तरीके से मैं मारा जाता हूँ, मतलब हाँ मुझे पता है कि नहीं हो पाया चिकन डिनर तो, लेकिन चिंता की बात नहीं है कोई, भाई सब अगला गेम हम फिर से लगाते हैं और इस बार तो कतई चिकन डिनर ही पाऊंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब उतर गया फिर से रोजॉक और भाई साहब मिल गई है इस बार कुत्ते वाली गन, मतलब टॉमी गन, और भाई साहब टॉमी गन के साथ साथ मुझे मिल गई है M16A4, मतलब पिछले जैसे ही, और भाई साहब इस बार लौंडे भी मिल गए तो सामने, चलो फिर रेस लगाते हैं उसके साथ। अब इसको जैसे ही मारता हूँ मैं आगे जाता हूँ और भी रोजॉक के अंदर जाता हूँ, तो पता चलता है भाई साहब रास्ते से भागे चले आ रहे हैं एक लौंडे, तो भाई साहब उसकी भी आरती उतारी जाए, मतलब 20 सड़क पे भागे चले आ रहे हैं। और भाई साहब इसको जैसे ही मारता हूँ इसका पार्टनर तो इतना आग बबूला हो जाता है, लौंडा मतलब ऐसे फायर करता है कि मेरे को मार ही देता, लेकिन भाई साहब किसी तरीके से बच जाते हैं और लौंडा हमारी तरफ आ रहा है, और भाई साहब देखो इसके साथ फाइट होगी तो एक और बॉट आएगा।
और इस बॉट की चाल देखो, मतलब कतई पिरो बॉट था, सीरियसली बोलता हूँ। मतलब दरवाजे पे मैं इतना फायर किया, दरवाजे पे और खिड़की पे, यदि कोई असली बंदा होता ना तो वो जरूर से नॉक हो जाता, लेकिन बॉट भाई साहब कैसे कवर लिया पता नहीं, बच गया। उसके बाद मैं बॉट को फटाफट फिनिश करता हूँ और भाई साहब यहाँ पे हीलिंग करता हूँ, मैं इंतजार करता हूँ कि लौंडा आराम से अपने आप कूदेगा भाई साहब, और वो कूदता है। और इन दोनों को मारने के तुरंत बाद मैं यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ और सीधा निकलता हूँ पोचिंकी की तरफ, क्योंकि रोजॉक में ज़्यादा बंदे उतरे नहीं थे, क्योंकि ये प्लेन पाथ से थोड़ा अलग था और पोचिंकी प्लेन पाथ में था, तो मैं समझ जाता हूँ पोचिंकी बंदे उतरे हैं। और मैं जैसे पोचिंकी पहुँचता हूँ और भाई साहब वहाँ पर फायरिंग चालू होती है और मुझे एक लौंडा भाई साहब कपार पे, मतलब घर के छत पे आसमान पे दिखता है। और मैं उसको जैसे ही नॉक करता हूँ भाई साहब, मैं सीधा रश कर देता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि ऊपर में दूसरा लौंडा है नहीं, उसको नीचे आना ही पड़ेगा रिवाइव लेने के लिए। तो भाई साहब मैं पीछे की तरफ से उसके ऊपर रश करता हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे लौंडा, लेकिन देखो भाई साहब मिलता कहाँ है। अब इन दोनों में से तो एक बंदा बॉट था, ये तो हटा दो, लेकिन दूसरा बंदा कोई ना कोई तो यहाँ पे था जिनसे ये दो बंदे लड़ रहे थे। तो भाई साहब मैं समझ गया कि आने वाला है या फिर कोई ना कोई तो फुटस्टेप देगा ही देगा, तो मैं आराम से यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ, मतलब एक दो सेकेंड ही वेट करता हूँ, लौंडा खुद ही आ जाता है इस तरह भागे भागे, तो आराम से इन दोनों को फिनिश कर देते हैं। और उसके बाद पोचिंकी में भी मुझे कोई दिखता नहीं, तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और सीधा निकलता हूँ बंदे की खोज में, और फिर से रोजॉक की तरफ से मैं निकलने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ कि मुझे सामने एक दासिया दिख जाती है भाई साहब, और मैं गाड़ी रोक देता हूँ। देखो और हमारी बेवकूफ़ी के कारण ये वाला मैच भी हम हार जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि इस तरीके का मज़ेदार कंटेंट वाला वीडियो हर रोज़ आप तक पहुँच जाए प्लीज़ गाइज। और डिस्क्रिप्शन पर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, जाओ वहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी बातें कर सकते हो वहाँ पर, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं हर किसी का मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। और गाइज बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को शेयर कर दो तमाम पबजी लवर्स के साथ, मैं मिलता हूं अगली वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।